नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और आपने ये गलती की है फ़ोटो वाली, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और आपने वहाँ पर जो डेट है वो नहीं डाली है कि आपने किस डेट को जो है आपने ये फ़ोटो खिंचवाई है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि 1 मार्च से बात की होनी चाहिए, तो क्या आपके एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को मेंशन कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना दोस्तों। दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे पास जैसे ही कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ है और उस वीडियो के अपलोड होते ही मेरे पास इससे रिलेटेड काफ़ी जो है सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको मैं क्लियरली सभी को ये चीज़ मेंशन करके बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो को डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो सवाल था मेरे पास पहले भी आ चुका था, लेकिन मुझे लगा ये सवाल नॉर्मल है तो आप लोग इसे समझ जाओगे, लेकिन मैं अब आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट के नोटिफिकेशन पे, और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका फ़ोटो है वो 1 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए, प्लस वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको नीचे ये डेट होनी चाहिए कि आपने फ़ोटो को कब खिंचवाया है, वो आपको इसमें डालनी है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ई प्रोस्पेक्ट जो जारी हुआ है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी गई है, मैं भी आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ लिखी है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 1 मार्च के बाद होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, और जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन अलग है, उसमें इस ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है दोस्तों। अब मैं आपको और भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब दोस्तों, मैं उस पेज पर आ चुका हूँ जहाँ से हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये आप देख सकते हो, ये वही पेज है जहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है अपनी फ़ोटो किस डेट को खिंचवाई है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करके नहीं बताई गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड करके देखेगा ही नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट है जिनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है, क्या वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेगा और नोटिफिकेशन को देखेगा? नहीं, वो सीधा ई मित्रा की शॉप पे जाएगा और बोलेगा भैया हमें JNU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आप हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए। तो वो जो ई मित्रा वाला वो क्या करेगा, वो इसको डायरेक्टली फॉर्म को फिल करेगा, और फिल करेगा तो यहाँ पे जो सूचनाएँ दी गई है वो इनको पड़ेगा। तो यहाँ पे वो मेंशन ही नहीं की गई है कि आपको जो है फ़ोटो की डेट ये होनी चाहिए और उसमें ये चीज़ें मेंशन करके लिखनी है, यहाँ पे ये कहीं बताया नहीं गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई होगी या फिर उन्होंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो ये चीज़ें है दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, क्योंकि गलती यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को मेंशन करना चाहिए, हो सकता है ये नॉर्मल मिस्टेक हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है यहाँ पे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब करेक्शन की डेट आएगी तो आप लोग उस समय जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फ़ोटो के लिए भी आपको दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो वरना आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो भी आप जो है जवाहरलाल नेहरू या ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इनकी वेबसाइट पे आपको इनके हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उन पे आपको कॉल करके 1 मई से आप जो है 17 मई तक इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो दोस्तों वैसे मैं बता दूं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और करेक्शन की डेट आएगी तो आप उसमें आपको करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जो है फ़ोटो इस प्रकार से अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, और बाकी जिन लोगों ने फिल कर दिया उनको यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी घबराइएगा मत दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके दिमाग में डाउट था ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनको यहाँ पे बताना चाहिए दोस्तों।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना दोस्तों, और अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।